नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ कंपस पर, जहां हम आपको प्रेरित करने और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए अद्भुत कहानियां और जीवन मंत्र लेकर आते हैं। आज की कहानी का विषय है मन को शांत करना सीख लो, जो भगवान बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक शांत गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां एक युवा व्यक्ति, नाम था आनंद, जो अपने मन की अशांति से बहुत परेशान था। उसका मन हमेशा भटकता रहता था और उसे चैन से नींद भी नहीं आती थी। आनंद ने कई उपाय किए थे, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। आनंद ने भगवान बुद्ध के बारे में सुना और उनसे मिलने का निर्णय लिया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या को उनके सामने रखा। आनंद ने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। भगवान बुद्ध ने आनंद को सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय आनंद, मन की शांति पाने के लिए पहले तुम्हें मन की प्रकृति को समझना होगा। हमारा मन हमेशा इच्छाओं और वासनाओं की ओर आकर्षित होता है। जब तक हम इन इच्छाओं को पहचानकर उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक मन की शांति असंभव है। बुद्ध ने आनंद को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। उन्होंने कहा, एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। ध्यान दो कि सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने विचारों को आने जाने दो। आनंद ने बुद्ध की विधि को अपनाया और रोज ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है। उसके विचार कम होने लगे और उसे अंदरूनी शांति का अनुभव होने लगा। कुछ महीनों के नियमित अभ्यास के बाद आनंद ने एक दिन महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। उसे अब छोटी छोटी बातों से तनाव नहीं होता था और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता था। आनंद ने महसूस किया कि मन की शांति पाने के लिए उसे बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझना था। आनंद की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। ध्यान की विधि एक सशक्त उपकरण है जो हमें हमारी आंतरिक शांति की यात्रा पर ले जाता है। दोस्तों, अगर आप भी आनंद की तरह अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध की इस ध्यान विधि को अपनाएं। नियमित अभ्यास से न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आप अपने जीवन में भी अधिक सुख और संतोष का अनुभव करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।